एक दिन छुट्टी कर लो वो भी अजाब है हमारे लिए। अच्छा बच्चों ने निकाल रही हूँ, बच्चों ने भी नाश्ता करना है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल चाल है आपका? मैं ठीक ठाक हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहन भाई भी ठीक ठाक होंगे। अच्छा तो आज मोबाइल कौन किसके हाथ में? मेरे। और कैमरा मैन कौन है? मैं। अच्छा तो जी, तो प्यारे बहन भाइयों मैं आपको ढोलकी भी दिखाती हूँ। सुबह ना खुद हमसे यही बजवाएंगे हम, ये वाली। कहाँ पर? नहीं मुझे बजानी नहीं आती है। तुम्हारे घर में से तो ढोलकियां निकली थी। अच्छा बकौल तुम्हारे? बकौल हमारे। तो पहले बहन भाइयों हमारी छोटी सिस्टर की है शादी, तो हम इस टाइम शादी में और बाकी के मंजर आपको घर जा के दिखाएंगे। ये सिर्फ आप ढोलकी में दिखा रही हूँ आपको, ढोलकी देखते रहे। तो जी ये खड़े हैं खुदम साहब जी, कैसा लग रहा है? कैसा लगेगा खड़े तो ऐसे जैसे आपकी शादी हो रही है। ऐसे हमारे नसीब का करवा दूं? बड़ी फरमाइश आई है वैसे। आई तो बड़ी है मैंने। हाँ ये बात नहीं, चलो कोई नहीं। तो पहले बहन भाई देखते थे ना, नेक्स्ट व्लॉग में मैं दिखाऊंगी आपको। ये जी मोटरसाइकिल पंचर हो चुका है, यहाँ पे हमें धोखा दे दिया और बहुत बुरी हुई रात के 1 बजे सड़क पे जी। तो प्यारे बहन भाइयों अब हम गए हैं हम घर पहुँच गए हैं, बड़ी मुश्किल से घर पहुँचे हैं। आज मोटरसाइकिल ने दिया बड़ा ज़बरदस्त किस्म का धोखा। मोटरसाइकिल ने बड़ा ज़बरदस्त धोखा दिया, क्योंकि उसे पता था उसके ऊपर एक बैठी है भैंस और उसका टायर गया बैठ। टायर फट गया, पंचर हो गया मोटरसाइकिल। बताओ कितना जुल्म हुआ बेचारी मोटरसाइकिल। क्योंकि हम गए थे, मैं ससुराल गई हुई थी और उपटन था, बस उपटन घर घर के बंदों ने मिलके कर लिया। और वहाँ की वीडियो हम डाल नहीं सकते। हाँ जी उसका रीज़न है क्योंकि वो लोग अभी वीडियो में नहीं आते। वो वीडियो में नहीं आते मेरे ससुराल वाले, मैं वीडियो में आती हूँ तो इसलिए मैंने सिस्टर वगैरह को नहीं लिया सबको। लेकिन उनकी इस पर कोई पाबंदी नहीं है। हाँ जी उनकी मुझ पर कोई पाबंदी नहीं है। तो अब मैं तो घर आ चुकी हूँ और वहाँ पर ढोलक वगैरह भी बजाते रह गए सब, तो खूब इंजॉय किया माशाल्लाह से। और क्या कहते हैं, जब अब घर पहुँचे हैं तो ठंड भी बहुत ज़्यादा थी और जैसे ही घर आए फिर हमने रास्ते में से सूप ले लिया था। देखिए कितना बड़ा बाउल है ये सूप का, खा कर बैठी है। मैंने अकेली ने और तो और किसने खाया? तुम्हारे हाथ में है तो तुम्हारे हाथ में ही बताऊँगा ना बाउल। देखिए प्यारे बहन भाइयों ये चिकन कॉर्न सूप इन्होंने लिया है बाज़ार से और ये देख लें आप, ये बाउल जो है मुंह तक भरा हुआ था। ये आपको निशानात नज़र आ रहे होंगे। सर चावल जी किस किस ने खाया बताएं मुझे? मैंने खाया, मेरी मम्मा ने, मेरी मेरी छोटी सिस्टर ने और आंटी ने और कक्षा ने। एक बाउल तो बस तक फिर झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आ रही। बताओ बच्चों को भी झूठ पे सिखा रही है। अच्छा तो सूप पीने वाले कितने लोग थे? 5-6 तो है ना? 6 तो है। हाँ जी तो झूठ कौन बोल रहे हैं? मामू। बस हाँ भाई कैक्षा मेरा भी वोट है। जोर से चावल और मम्मा बोल रही है। देखो जी मेरा वोट हर वक्त तैयार। पूरा भरा हुआ था, अभी तक मेरे पापा ने एक कतरा भी नहीं पिया। अच्छा तो पापा आपके ना पिए? मैंने तो आपके पापा को नहीं, मैंने तो बल्कि इनकार किया, मैंने कहा मैं नहीं पिया जा रहा है तो खुद हम आप पी लेने का नहीं कभी। असल में मैंने कुछ ज़्यादा ज़बरदस्ती यूँ भी की है इनके साथ कि आते हुए कुछ चंचले नौजवानों ने इनके मोटरसाइकिल मार दी तो इनके बाजू में और टांग में लग गया झटका। अल्लाह ने बचाया, अल्लाह ने हमें आज बचाया है गाड़ी के
टकराव से बड़ा जबरदस्त एक्सीडेंट हो जाता, जैसे अल्लाह ताला ने बचा लिया। जैसे इन्होंने मोटरसाइकिल साइड पे किया तो पीछे से बड़ी स्पीड में थे तो कंधे पे और टांग पे जो ना, वो लोग भी बच गए, अल्लाह का शुक्र है, और हम भी बच गए और हम भी बच गए। कदम अल्लाह उन्हें हिदायत दे। हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है, कदम मुस्पाक साहब का। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, सबका ठीक ठाक है। और ये देखें किचन के अंदर दो अदद चुड़ैलें आपस में गुत्थम गुत्था ही पड़ी हैं। अच्छा, तो मैं तो ये साग घोट रही हूँ। आपस में गुत्थम गुत्था ना, वो रोटियों पे है तो साग पे हो, गुत्थम गुत्था ऊपर। अच्छा, मैं रोटियां बना रही हूँ, बच्चों ने नाश्ता करना। और जी माशाल्लाह से ये हमारी बन रही है चाय, ये चाय बन रही है। और इधर साग को लग रहा है घोटा, और साग रखा हुआ था फ्रिज में, दूध शूद गर्म हुआ रखा है, और रोटी छोटियाँ बन रही हैं। और ये हमारा है ऑन मोहम्मद, ऑन मोहम्मद भी कह रहे हैं, मुझे भूख लगी है। और सुबह सुबह का है टाइम, सुबह सुबह का है टाइम, तब हम करेंगे नाश्ता। देखते हैं बनाते हैं साग वाले पराठे बनाते हैं या सादा रोटी बनाते हैं। सादा रोटी बनाना भाई, साग वाले पराठे पराठे को बंगाल लगाते हैं। ठीक हो गया। तो जी ये देखें मैडम को, ये हमारी मैडम जो सोकर उठी हैं, और आते ही उन्होंने साग के साथ जो गुला मस्ती की है, दे दमादम घोटने के साथ साग को छेद छेद कर, मेरा समझ कर साग को छेदा ये देखें। अच्छा, घोटने से गोटने। और ये इनकी रोटी बनाने की कोशिश जारी है अभी तक, वो कोशिशें रही हैं, अभी तक कुछ तैयार हुआ नहीं है। हैं? मैंने कहा बस करते हैं। अच्छा, ताकि रोटी बना सके। ये अभी भी नींद आ रही है। जरा कैसे था, जरा दोबारा बताना। ऐसे किया था। हाँ, यानी मेरे ही मरे लगेगा ये। नहीं जी, नहीं नहीं, गलत बात। ये क्या कर रही है? ये मैं बर्तन धो रही हूँ जी। ज़ाहिरा काम तो करना है, ज़ाहिरा काम तो करना है। सारे धो लिए? हाँ जी, धो लिए मैंने। ये देखे, ये रखे हुए हैं सारे बर्तन। तो जी ये देखिए सुबह का है टाइम, और बड़ी मज़ेदार से निकली हुई है धूप, ये आपको नज़र आ रही होगी धूप, बहुत मज़ेदार से निकली हुई है धूप, बल्कि मैं धूप में आऊँगा तो पता लगेगा। हाँ, ये अब जो है ना धूप निकली हुई है, और खैर से अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ क्या हो रहा है। ये देखें, यहाँ तो मैं बैठी हूँ, मौज मस्तियाँ हो रही हैं, हमें भूख लग रही है, ये मौज मस्तियाँ कर रहे हैं अपनी। तो हम किसके लिए बना रहे हैं? वाह जी वाह, वाह जी वाह, मज़े। वाह भाई वाह उज़्मा भाई, नाश्ता करना है ना, तो इसलिए मैं चने निकाल रही हूँ। बच्चों ने भी नाश्ता करना है, आपने भी करना है। अच्छा भाई वाह, एक बहन सुबह सुबह चनों में, दूसरी साग में, हमारा किसी को ख्याल ही नहीं है। नहीं भाई, आपको भी देंगे नाश्ता। चलो ठीक। वाह जी वाह, खुदम जी टक्की लग रही है। एक दिन छुट्टी कर लो, वो भी अजाब है हमारे लिए। अच्छा, छुट्टी करना अजाब है। अच्छा, तो यहाँ से डाकी आपने लगाना शुरू कर दी, बाकी पीछे से कौन लगा के है सारे पूरे घर की लगाई है। शुक्र शुक्र। तो प्यारे बहन भाइयों, अभी मैं आपको जो चीज़ दिखाने वाला हूँ, इंतहाई दर्दनाक, बहुत अफसोसनाक चीज़ है वो, आप यकीन मानो बस मैं आपको बता नहीं सकता। अच्छा, तो ये वो चीज़ है, अल्लाह माफ़ करे, ठीक है। और प्यारे बहन भाइयों, ये आपको बैठा हुआ नज़र आ रहा होगा। ये पहले से ही टूट गई हुई है, देखो ये मैंने नहीं तोड़ी। खा खा कर इस औरत ने लोहे का मंजा तोड़ दिया है। तो प्यारे बहन भाइयों, मैं तो खा रही हूँ माल्टा, जिस बहन भाई ने आना है आए और हमारे साथ खाए। ये 2 किलो माल्टे अकेले साफ कर देंगे। प्यारे बहन भाइयों, ये है वो मेरी मासूम गवाही, जो हमेशा मेरे हक में गवाही देती है। मासूम उज़्मा, क्या कहोगे, किसने खाए माल्टे?
सबने खाए मिलकर मालटे। अच्छा तो इल्जाम किस पे है? मेरे पे। देखो जी, जो खाएगा मैं तो उसी को इल्जाम दूंगा ना। मैंने तो नहीं देखा किसी और को खाते हुए, मैंने इसे ही देखा है ये आपके सामने भैया बकायदा सबूत के साथ। हाँ, ये चीज है, ये मैं खुद खाऊंगी। ये तो मैं ले लूंगी, ये नहीं खाऊंगी। कौन सी क्या चीज है ये? रेवड़ी। रेवड़ी ये नहीं मैं दूंगी किसी को। जी वाह, क्या हो रहा है? साग वाले पराठे बना रहे हैं। साग वाले पराठे? हाँ जी। बनकर तैयार भी हो चुके हैं? तैयार हो चुके हैं, अब खाएंगे बस। अब खाएंगे बस, ठीक हो गया जी। खाए, बच्चों को भी खिलाए, बच्चों को भी भूख लगी। साग वाले पराठे हमारे तैयार हो चुके हैं, ये बस एक छोटा सा पेड़ा बचा था उसी को मैंने डबल कर लिया। ये बन गए हुए हमारे साग वाले पराठे, तो आ जाए जिस बहन भाई ने खाने हैं तो हमारे साथ खाए जी। तो प्यारे बहन भाइयों, आज की हमारी वीडियो को तय अख्ताम, और हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं अपने प्यारे बहन भाइयों का, जो हम इतना प्यार कर रहे हैं और हमारी वीडियो देख रहे हैं। जो भी पाकिस्तानी और बिरानी ममालिक से हमारा साथ दे रहे हैं, हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। तो सब बहन भाइयों को हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट अच्छे लाजमी कीजिए। तो प्यारे बहन भाइयों, अल्लाह ताला आप सबको ज़िंदगी दे, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। तो हम अब आपसे इजाज़त चाहते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।